हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलो और आप देख रहे हैं Q&A पार्ट 45। और इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं। और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश यही है कि आपका हर एक डाउट क्लियर करूँ। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बाना वाली जी ने पूछे हैं, क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सॉन इज 90 ईयर्स। यहाँ पर कह रहा है कि फादर एंड सन का जो प्रेजेंट एज का सम है वो 90 ईयर्स है। 10 ईयर्स अर्लियर द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 5:2। तो 10 ईयर्स पहले जो उन दोनों का यानी कि फादर एंड सन का जो एज का रेशियो था वो था 5:2। तो यहाँ पर पूछा चुके द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या है आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपली देखिए फादर एंड सन का प्रेजेंट एज का जो टोटल प्रेजेंट एज है वो दिए गए हैं और 10 ईयर्स पहले जो उन दोनों का रेशियो था एज का वो दिए गए हैं। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है, तो सिंपली मान लीजिए 10 ईयर्स अर्लियर फादर का एज मान लीजिए 5x और सन का एज जो कि 2x। तो सिंपली प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज होगा जो कि 10 ईयर्स पहले 5x एंड 2x था, प्रेजेंट एज जो कि फादर का होगा 10 ईयर्स अर्लियर यानी कि प्लस 10 जो कि 5x प्लस 10 एंड सन का जो एज होगा वो होगा 2x प्लस 10। अब देखिए सिंपली फादर एंड सन का प्रेजेंट एज का सम दिए गए यानी कि दोनों का ऐड करेंगे यानी कि 5x प्लस 10 फादर का एज प्लस सन का एज जो कि 2x प्लस 10 टोटल जो सम है वो 90 ईयर्स है। तो सिंपली इसमें से 7x प्लस 20 इक्वल टू 90 यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर 7x इक्वल टू 90 माइनस 20 यानी कि 70 यानी कि x इक्वल टू जो कि 10। अब देखिए यहाँ पर फादर का प्रेजेंट एज क्या है, 5x प्लस 10 यानी कि 5 इंटू 10 एक्स यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 50 प्लस 10 जो कि 60 ईयर्स जो कि फादर का प्रेजेंट एज होगा। तो आपका आंसर है। और इसी तरह से आप सन का भी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं 2x प्लस 10 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 10 यानी कि यहाँ पर 20 प्लस 10 जो कि 30 ईयर्स। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो कि हिमांशी गर्ग जी ने पूछे, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 728 एंड 900 लिविंग द रिमाइंडर्स 8 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन है सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिस नंबर से 728 and 900 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर्स होगा वो 8 and 4। यानी कि सबसे बड़ा एक नंबर है जिस नंबर से 728 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स 8 एंड 900 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो कि 4 होगा। और सिंपली इस टाइप क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं 728 तो रिमाइंडर्स को माइनस कीजिए फर्स्ट नंबर से जो कि फर्स्ट रिमाइंडर 8 यानी कि जो कि 720, सेकेंड नंबर जो कि आप देखिए 900 और रिमाइंडर जो कि 4 तो 4 को माइनस कीजिए तो आप सिंपली जो कि 896। तो आप सिंपली जो आंसर होगा आपका वो होगा HCF ऑफ 720 एंड 896 और इन दोनों का HCF जो कि है 16, तो 16 आपका आंसर होगा यानी कि 16 सबसे बड़ा नंबर है जिस नंबर से 728 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर होगा एंड 900 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसान से शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकेंगे। और इसी तरह से आपका भी मैथ एंड रीजनिंग के ऊपर कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।